हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार
सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा 8 और NTR 8 द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर NTR की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर NTR के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट 1 को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर NTR काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी NTR ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा 8 और NTR 8 द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर NTR की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर NTR की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर NTR के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट 1 को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही
एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलाताला शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलाताला शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलाताला शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलाताला शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट
27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलाताला शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था, अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलाताला शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलाताला शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था, अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है
और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे है। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे है। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जैन ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जैन ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की
एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं
ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे
फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जैन ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जैन ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है।
इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं।
एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जैन ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे है। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा जैन ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी
नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जानवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। देवरा इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे है। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे है। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपनी डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा आर्ट और एनटीआर आर्ट द्वारा निर्मित है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में।
देवराय इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अभिनेता के फैन में जबरदस्त उत्साह है और वे फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार अपडेट आते रहे हैं। एक बार फिर फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दिनों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन पर तेजी से काम चल रहा है। फिल्म की टीम इसे फैन के सामने लाने के लिए काफी पसीना बहा रहे हैं, ताकि इसे 23 तारीख पर रिलीज किया जा सके। अब इस फिल्म की डबिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें इससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने वाले हिमा झा ने फिल्म के लिए अपने डबिंग सेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इससे जाहिर है कि फिल्म की डबिंग का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ फिल्म की शूटिंग भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। देवरा पार्ट एक को मशहूर निर्देशक कोलातारा शिवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट 27 सितंबर 2024 रखी गई है। फिल्म को तय समय पर रिलीज करने के लिए पूरी टीम जोरों शोरों से इसे पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच फिल्म को लेकर एक और अफवाह तेजी से फैल रही है कि फिल्म के निर्माता जल्द ही एक रोमांटिक गाना भी रिलीज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बताते चले कि कोलातारा शिवा द्वारा निर्देशित देवरा में जूनियर एनटीआर काफी खतरनाक अवतार में नजर आएंगे। शिवा की यह जनता गैरेज के बाद दूसरी फिल्म है। गौरतलब यह है कि जनता गैरेज में भी एनटीआर ने काम किया था। अब देवरा में भी वह खतरनाक एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म से बॉलीवुड कलाकार सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर तेलुगु में डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी समुद्र के रास्ते में होने वाली तस्करी पर आधारित हो सकती है। फिल्म युवा सुधा 8 और एनटीआर 8 द्वारा निर्मित है।